हेलो फ्रेंड्स, ये जो मैंने वीडियो बनाया है गोवा का, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है जो मैंने 7 डेज में नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा घूमा था, और होप सो ये आपके काम आएगा आपके पर्सनल गोवा ट्रिप प्लान करने में। हम सैटरडे को मॉर्निंग 10:30 पे गोवा एयरपोर्ट पहुँचे और वहाँ से हमने गोवा गवर्नमेंट की बस ली और कलंगुट बीच पर गए। हमने हमारा जो नए होटल था वो कलंगुट बीच पर ही बुक कर रखा था, और बस से उतरते ही हमने एक्टिवा रेंट ली 300 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, और हम हमारी होटल की ओर चले गए। जो हमने होटल लिया था वो भी बीच के एकदम पास ही लिया था, और ये बीच से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। सैटरडे को हमने कलंगुट बीच ही इसलिए चुना क्योंकि जो वीकेंड पे यहाँ पे माहौल होता है सैटरडे संडे पे काफ़ी अच्छा होता है, और कलंगुट बीच और बाघा बीच पास पास में ही है, आप बाय वॉक ही दोनों को एक्सप्लोर कर सकते। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, जो हमने 7 डेज में विजिट किए थे सारे बीच नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के, ये मैंने लिख रखे हैं। आप चाहे तो 3 दिन में नॉर्थ गोवा के बीच भी कवर कर सकते हैं, आप चाहो तो 3-4 दिन में साउथ गोवा के बीच भी कवर कर सकते हैं सेपरेटली, बट हमने 7 डेज में यानी नॉर्थ और साउथ गोवा दोनों कवर करा था। सबसे पहले हम सैटरडे को गए कलंगुट बागा कैंडोलिम, देन उसके नेक्स्ट डे हम साउथ की ओर निकल गए थे कोलवा और केवलोसिम होते हुए पालोलिम, फिर एक दिन हम पालोलिम रुके, फिर एक दिन हम पालोलिम से अगोंडा गए और वहाँ रुके, फिर अगोंडा से हम गए पंजिम और एक दिन पूरा पंजिम सिटी एक्सप्लोर करा, देन पंजिम से हम वापस से नॉर्थ में आ गए थे। मैं आपको सभी होटल और फूड का जो रिकमेंडेशन है जो हमने वहाँ पर गोवा में करा वो सबसे एट दी एंड दे दूँगा, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। फिलहाल हमने सैटरडे के दिन अराउंड 4 PM हम हमारी होटल से निकले और अगोंडा फोर्ट की साइड गए। अगोंडा फोर्ट पर हमने काफ़ी अच्छे सनसेट इन्जॉय करा, और सनसेट से ज़्यादा हमें तब अच्छा लगा जब हम अगोंडा फोर्ट से कलंगुट की ओर वापस आ रहे थे। रास्ते में काफ़ी अच्छी वाटर बॉडीज़ थी, काफ़ी अच्छे सीनरिक व्यूज़ थे और काफ़ी अच्छे चर्चेस थे, और वो अच्छे अच्छे व्यूज़ हम एंजॉय करते हुए कलंगुट बीच पहुँचे, और अराउंड 7 PM हम वॉक करते हुए बागा बीच की ओर निकल गए। फिर हमने बागा बीच एक्सप्लोर करा, टिटोस लेन एक्सप्लोर करी, क्लब के रेट पता करे क्योंकि हमने जो हमारा लास्ट डे था वो क्लब के लिए सोच रखा था। उसके बाद हम वापस कलंगुट बीच आए, फिर एक बीच शेक पे गए, फिर हमने लाइव म्यूजिक सुनते सुनते हमारा डिनर करा बीच शेक पे। मॉर्निंग हम कलंगुट बीच गए, एक वॉक करा हमने मॉर्निंग में बीच पर, उसके बाद होटल आकर ब्रेकफास्ट करा हमारा, और अराउंड 10:30 हम निकल गए साउथ गोवा की ओर। हमने कोकण हाईवे नहीं लिया था, हमने मडगांव से पहले कोस्टल रोड है जो कोलवा और केवलसम होते हुए पालोलिम जाता है, हमने वो लिया था क्योंकि हम थोड़ा सा एक ट्रू गोवा का एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, और ये रोड काफ़ी अच्छा था, यानी काफ़ी आइसोलेटेड टाइप का रोड था, काफ़ी कम ट्रैफिक था, और काफ़ी अच्छी सीनरी देखते हुए हम पालोलिम पहुँचे कोलवा होते हुए। तो 1 घंटे हम कोलवा में रुके थे और 1 घंटे हमने केवलसम रुके थे और लंच करा था, और फिर हम पालोलिम पहुँचे थे। जैसे ही हम पालोलिम बीच पे हमारी हट पे पहुँचे, यानी जो व्यू था उससे रास्ते की सारी थकान दूर हो गई। ये बहुत अच्छा व्यू था, यानी हमारे जो बीच हटे तो वहाँ से ही हमें मंकी आइसलैंड और पूरा बीच दिख रहा था। जैसे कि हम वीडियो में देख रहे हैं, हम पालोलिम बीच की एक्सट्रीम साउथ में रुके थे, और जो सामने आपको बीच का एंड दिख रहा है वो एक्सट्रीम नॉर्थ है, और हमारी हट से ही पूरे बीच का व्यू दिखता था। ये बीच काफ़ी सुंदर था और काफ़ी वाटर यहाँ का क्लियर था, और बीच एक मून के शेप का था, और बीच के पीछे की साइड बहुत सारे नारियल के पेड़ थे जिससे बीच और भी सुंदर लगता था, और यहाँ से ही हमें मंकी आइसलैंड दिखता था, और मंकी आइसलैंड के आगे हनीमून बीच और बटरफ्लाई बीच भी हम यहाँ से बोट से जा सकते थे पालोलिम बीच से। इवनिंग में हमें पता लगा कि जो हमारे हट का नाम था पैसिफिक सनसेट व्यू क्यों था, ये अपना नाम पूरा जस्टिफाई करता था,
और काफ़ी अच्छा सनसेट यहाँ से हमने इंजॉय करा, यानी वो हमारे लाइफ का सबसे अच्छा सनसेट व्यू था। और जितने भी बीच पे फॉरेनर और टूरिस्ट थे, वो जो आप चट्टाने देख रहे हैं उन पर आके बैठ जाते थे इवनिंग में सनसेट का व्यू इंजॉय करने के लिए। इवनिंग में और नाइट में तो ये बीच और अच्छा लगता है इस हट की गैलरी से, क्योंकि जितनी भी बीच शेक की लाइट है वो ऑन हो जाती है और एक रंग बिरंगा सा बीच दिखता है आपकी हट की गैलरी से। मॉर्निंग में हमने सबसे पहले एक कयाक ली हमारी हट से ही, एक घंटे के लिए 200 पर होवर के हिसाब से ड्यूल ऑक्यूपेंसी कयाक थी ये। एक घंटा हमने उस कयाक में एंजॉय कराया, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। देन हमने हमारे जो बीच था प्राइवेट बीच टाइप का उस पर एंजॉय करा, फिर हम होटल के हमारे हट के रूम में आए और फ्रेश हुए। उसके बाद हमने चेकआउट कर दिया और जो हमारा सामान था रिसेप्शन पर रख दिया, और देन हम निकल गए हमारे बोट राइड के लिए जो हमने प्लान कर रखी थी नेक्स्ट मॉर्निंग। और यहाँ से हर घंटे पे आपको बोट राइड मिल जाएगी डॉल्फिन सीन के लिए, मंकी आइसलैंड के लिए, बटरफ्लाई बीच और हनीमून बीच के लिए। आप अगर बुक ना भी करते हो तो मॉर्निंग में बीच पे जाके उसको आसानी से ले सकते हो बोट राइड। और बोट राइड करने के बाद हम वापस हमारे हट पर आए और रिसेप्शन से सामान लेके हम निकल गए अगोंडा बीच की साइड। जो हमारा पालोलिम पे हट था पेसिफिक सनसेट व्यू, वो 2200 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से था। और वहाँ से हम निकल गए अगोंडा बीच पर। अगोंडा बीच पर जो हमने होटल लिया था वो बजट होटल था और एकदम बीच के पास में ही था, यानी वो वहाँ से निकलो और बीच आ जाता था। वहाँ पर हमने सामान रखा और हम निकल गए कोला बीच पर। कोला बीच का हमने काफ़ी नाम सुना था, यानी काफ़ी अच्छा बीच है, तो हम अगोंडा बीच से कोला बीच गए। और कोला बीच जाने का जो रास्ता था, हमने हमारी लाइफ में फर्स्ट टाइम केशु ट्री देखा और जो रास्ता था वो काफ़ी अच्छा था, आप फोटोज़ में देखेंगे। कोला बीच अगोंडा बीच से 10 किलोमीटर दूर होगा और ये काफ़ी डीप में है, यानी आपको ऊपर पहाड़ से नीचे उतरना होता है अपनी स्कूटी ऊपर पहाड़ के ऊपर ही रखकर। और यहाँ पर इस बीच पर एक यानी रिवर की सब्सिडी नदी बारिश में समुद्र में मिलती है, और बिना बारिश में आप यहाँ पर दोनों में स्विमिंग का मज़ा ले सकते हैं, समुद्र में भी स्विमिंग का मज़ा ले सकते हैं और इस नदी में भी स्विमिंग का मज़ा ले सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी थोड़ी महंगी है बट काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ब्यूटीफुल ये प्रॉपर्टी है। और काफ़ी इंजॉय करा हमने यहाँ पर, हमने पूरा डे यहाँ पर बिताया। उसके बाद हम इवनिंग में वापस से अगोंडा बीच का चले गए और सनसेट का और नाइट का इंजॉयमेंट हमने वहाँ पर ही करा। अगोंडा बीच भी काफ़ी अच्छा बीच है और ये काफ़ी इकोनॉमिकल बीच है, यहाँ पर स्विमिंग का काफ़ी मज़ा है। और हमने पूरा इन्हें इवनिंग और नाइट यहीं पर इंजॉय करा और नेक्स्ट मॉर्निंग हम पंजिम चले गए। और आपको पंजिम और नॉर्थ गोवा का जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। होप सो आई विल जस्टिफाई माई एक्सपीरियंस विथ यू।